फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत का खाना। आज हम देखने आए हैं लाइव आइसक्रीम। आप देख सकते हैं मैं यहाँ से निकल रहा तो मैंने देखा यहाँ पे लाइव आइसक्रीम बन रही है और मुंबई में ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और मैं आया हूँ कांदिवली वेस्ट महावीर नगर। ये एकदम फूड हब है यहाँ का और यहाँ पर जो भी चीज़ मिलती है सब वेज मिलता है। और आप देख सकते हैं सामने ही ये यहाँ पर लाइव आइसक्रीम बन रही है एकदम आँखों के सामने। और यहाँ का जो एम्बियंस है आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक बज रहा है और काफ़ी अच्छी लाइटिंग है। बैठने का भी यहाँ पे जगह है। तो चलिए हम भी देखते हैं यहाँ पे लाइव एक्शन कैसे बनती है और यहाँ पे क्या क्या मिलता है। 30 रुपीज़ में एनी जूस, कोई भी जूस 30 रुपीज़। मोजी तो 20 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। ड्राई फ्रूट मिल्कशेक 40 रुपीज़ और 60 रुपीज़ में ड्राई फ्रूट मिल्कशेक। और ये लोग एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसको ट्राई करने आते हैं। मिल्क, हाँ ये नॉर्मल मिल्क है, इसके अंदर शुगर एडेड होता है। और सबसे अच्छी बात है ये आपके सामने लाइव बनाते हैं और एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ये रोलर कोस्टर जो आइसक्रीम है और दूसरी आइसक्रीम से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है क्योंकि ये एकदम नेचुरल होती है। और पहली आइसक्रीम में जो ट्राई करने वाला हूँ वो चीकू वाली है। ये चीकू वाली आइसक्रीम बना रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं ये लोग फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हम बाहर आइसक्रीम खाते हैं वो क्रीम वाली होती है, बट ये जो है मिल्क और फ्रूट की होती है जो हेल्दी भी होती है। हमारे पास सिंगल फ्लेवर है, सबको फ्रूट पसंद होते हैं, नहीं होते तो जिसको जो चाहिए। और ये कौन सा वाला था? स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी का मिक्सचर, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी का मिक्सचर। ये वो कॉम्बो है, दो फ्लेवर को मिक्स कर सकते हैं। आपको जो पसंद होता है, ऑरेंज किसी को पसंद होता है, किसी को चीकू पसंद होता है, तो जिसको जैसे मिक्स करवाना है वापस मिल करके इसको। अब हमारी चीकू वाली आइसक्रीम भी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसको किस तरह से खुरचा जा रहा है। एकदम लाइव आइसक्रीम आपके सामने बनके आ रही है और आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लच्छे बनके आ रहे हैं। ये आइसक्रीम है और ये क्रीम वाली से बिल्कुल डिफरेंट होती है जैसे मैं बोल रहा हूँ, और एकदम ये नेचुरल होती है और जो हेल्थ के लिए भी अच्छी है। अब हम अपनी दूसरी आइसक्रीम बनवा रहे हैं, ये है स्ट्रॉबेरी। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये फ्रेश मिल्क डाल रहे हैं ऊपर से, और उसके ऊपर से अब ये ने डाल दिया स्ट्रॉबेरी सिरप। ये देखिए कितना लाजवाब लग रहा है और देखने में ये रोलर कोस्टर आइसक्रीम देखने में ही बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रही है। अब ऊपर से इन्हें फिर से डाल दिया है मिल्क और ये ज़रा भी नीचे नहीं टपक रहा, हल्के हाल जमता जा रहा है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा टेक्स्चर आया है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये निकाल रहे हैं। और ये इसको खरीच लिया फिर से, आप देख सकते हैं कि हमारी स्ट्रॉबेरी वाली जो है आइसक्रीम निकल के आ गई है। तो चलिए इसको हम टेस्ट करके आपको बताते हैं ये कैसी है। आइसक्रीम आ गया है, एकदम नेचुरल तरीके से बनाया है, टेस्ट करके बताता हूँ। बहुत बेहतरीन टेस्ट है, मुंह में जाके एकदम गायब, यहाँ तक भी लोग ऊपर ही ऊपर गायब हो गया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा यमी है। पुरानी दिन की यादें आ गई, जब हम शादी में जाते थे तो इस तरह की आइसक्रीम मिलती थी रोला कोस्टर वाली, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। 20 रुपीज़ में मोजी तो ऐसे इसके बाद में उसको ट्राई करने आ रहा हूँ। आप लोग जरूर आए इस शॉप पे, मैं आपको इसका जो एड्रेस है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, गूगल मैप के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं। चॉकलेट वाली आइसक्रीम बनाई जा रही है और यहाँ पे हर्षी सिरप का इस्तेमाल किया जा रहा है चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूज़ करी जा रही है हर एक चीज़ में और हाइजीन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितना मस्त कलर आया है। दूध के ऊपर पहले ने दूध डाला है, फिर उसके ऊपर से ये चॉकलेट सिरप डाला है और आप देख सकते हैं कि ये फटाफट जम भी जा रहा है क्योंकि ये अंदर इसके अंदर आइस होती है रोलर कोस्टर आइसक्रीम वाले में। अब फिर से ऊपर से ये इनने मिल्क डाला है। अब हमारी जो चॉकलेट आइसक्रीम है वो बनके तैयार हो चुकी है। देखिए कितने अच्छे लच्छे निकल के आ रहे हैं आइसक्रीम के, एकदम नेचुरल आइसक्रीम आपके सामने तैयार हो रही है। अब इसके ऊपर से ये लोग चोको चिप्स डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं, और उसके ऊपर से ये लोग हर चीज़ का फिर से सिरप डाल रहे हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रही है देखने में। आप यहाँ पर जरूर ट्राई कीजिए यहाँ पर आकर इस चीज़ को। और ऊपर से ये लोग वेफर्स डाल दे रहे हैं दो चॉकलेट वाले। तो लीजिए लाइव चॉकलेट वाली आइसक्रीम बनके तैयार है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में, तो खाने में आप सोच ही सकते कितनी लाजवाब होगी। ये पेस्ट है नींबू का, शक्कर का और मिंट का, ओके, ये तीनों का पेस्ट है, घर से बनाया है। होममेड है ये, कहाँ बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है इसकी, तो मिंट डाला है इसके अंदर। हाँ ये मिंट है, पुदीना है, तभी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब्जा है ना, सब्जा, हाँ सब्जा है ना ये। और इफेक्ट देने के लिए मिंट डालेंगे सब में, बर्फ डालेंगे।
भाई। और यहाँ का मोहितो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो मैंने उसको भी ट्राई किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो लीजिए, हमारा मोहितो भी तैयार हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ उसका टेस्ट कैसा है। मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। मिंट का फ्लेवर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और इसके अंदर जो सब्जियाँ स्वीट डले हुए हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बना रहे हैं कीवी ड्राई फ्रूट शेक, और जिसके अंदर ये मिल्क डाल रहे हैं और साथ में ये फ्रेश कीवी डाल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कीवी भी अच्छे क्वांटिटी में डाल रहे हैं ये। और हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो भी कस्टमर आए हैं उनका भी रिव्यू इसके अंदर डाल दें इस वीडियो में। जैसे आप लोगों को भी मालूम पड़े कि यहाँ पे जो कस्टमर आ रहे हैं इनको यहाँ का जो प्रोडक्ट जो मिल रहा है, जैसे शेक मिल रहा है, लाइव आइसक्रीम है, मोहितो है, वो उन लोगों को कैसा लग रहा है। मेरे को तो पसंद आया है, और आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कस्टमर रिव्यू क्या क्या है। कीवी का होममेड पल्प है, ड्राई फ्रूट है इसमें, बादाम, पिस्ता, किशमिश और काजू, चार चीज़ें हैं। अरे बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा, सस्ते में दे रहा है, टेस्ट भी अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। आप लोग कैसा लगा? बढ़िया है। कैसा है? टेस्टी है? थैंक यू। अगर आप लोग भी लाइव आइसक्रीम और नेचुरल आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो आप शॉप पे आइए। ये है कांदीवली वेस्ट, महावीर नगर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर आपको। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फूड स्टॉल का जो ओनर है उर्वेश, उनका भी नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे उनसे लोकेशन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।